अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरुज काजमी और हम मना रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी, सफ़र मोहब्बतों का। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के अजीम तरीन शख्सियात से और करते हैं उनसे मज़े मज़े की बातें। मज़े मज़े की बातों के साथ आपको दिखाते हैं आपकी यादों के हसीन एल्बम्स, जिनमें ड्रामास हैं, गाने हैं और मज़ाहिया खाके भी हैं। वो सब कुछ है जो आपकी यादों में महफूज है। तो आइए मोहब्बतों के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और चलकर मिलवाते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। हमारी जो आज की पहली मेहमान है वो बहुत ही बासलाहियत शख्सियत हैं, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम किए हैं, खबरें भी पढ़ी हैं और टॉक शोज़ भी किए हैं, क्विज शोज़ भी किए हैं, बेशुमार मजहबी प्रोग्रामों की मेज़बानी भी की है। इनकी शख्सियत के तमाम पहलू पर हम इनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फरहाना अवैस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी आज की दूसरी मेहमान एक नात ख्वां हैं, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर बहुत से नात ख्वानी के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी और इंतहाई अकीदत से हम दो नात पेश करती हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे तीसरे मेहमान भी एक नात ख्वां हैं, जिनके वालिद का नाम पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वालों के लिए नया नहीं है। इनके वालिद भी बहुत आला नात ख्वां थे और ये ख़ुद भी बहुत उम्दा नात ख्वानी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आसान बिन खुर्शीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू आवर शो। जी मैम, आपने सहाफ़त भी की है और आप बहुत अच्छी नात ख्वां भी हैं, तो कुछ बताएं अपने बारे में। जर्नलिज्म में ऑनर्स कर रही थी जब मैंने शुरू किया पढ़ना। जी मैम। तो मुझे लगा कि जर्नलिज्म जो है किताबों का सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं फिर फील्ड में काम करने लगी फ्रॉम 1977। वाह। और जंग ग्रुप जो बड़ा अदारा, वहाँ से मुंसलिक हुई। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न में जब मैं आई, पहला प्रोग्राम 1976 में गालबन मैंने किया, ताजदार आदिल साहब का, कायद आज़म का 7 साल जश्न मनाया जा रहा था, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ को के और लोग आए थे, तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। और उसमें मैंने नात नहीं पढ़ी थी, उसमें मैंने एक नगमा गाया था। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोग्राम एंट्री इन एट पीटीवी। ठीक है ना, तो वो नगमा आपको आज भी याद वो है? वो याद नहीं, मंजिल प्रोग्राम था वो। अच्छा। और अभी वो याद नहीं है। अच्छा, मैं सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन मैं शुरू में यही था मेरा ना, लेकिन मेरे अब्बा ने कहा खबरदार तुमने ये काम किया। आई थिंक पेरेंट्स सही होते हैं, फिर अल्लाह ताला ने मेरी रहनुमाई फरमाई और मैं जाहिर है कि इस एक अच्छे काम पर चली गई। बिल्कुल। और मैंने जो सबसे पहला काम किया सहाफ़त में, जो मुझे मैंने शुरू किया, जिसकी वजह से मैं ताबिंदा लारी बनी। जी। तो मैंने पहला कॉलम लिखा था उस ज़माने में पीटीवी पे, पहले ना फिल्में दिखाई जाती थी छुट्टी के दिन। अच्छा। तो वो फिर वो लोगों ने पता नहीं इतराज़ किया कि फिर दो हो गई, लोगों ने शोर मचाया कि भाई ये फिल्म ख़त्म कर दी। तो मैंने, मुझे वो कॉलम याद है, पहला कॉलम कि आधी को छोड़ पूरी को जाए, पूरी छोड़ आधी भी ना पाए, क्योंकि पीटी फिर बंद ही कर दिया। वहाँ से मैंने शुरू किया और फिर मुझे, क्योंकि टेक्निकल उर्दू का रीडर टेक्निकल नहीं होता, तो मैंने अपने कॉलम को थोड़ा शेर, तंज मज़ा और कोई मिसरा इस तरह से लिखना शुरू किया। और विद इन अ मंथ मेरा नाम इतना मशहूर हो गया कि हर शोबे का, अच्छा सबको ये था कि कोई बहुत बड़ी खातून होगी, मैं स्टूडेंट थी उस वक्त से, तो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर जो रिव्यू में लिखा करती थी ना, उसने मुझे ताबिंदा लारी बनाया। और ये गालबन 77 की बात है, मैं उस वक्त ऑनर्स के सेकेंड ईयर में थी। ये रिव्यू मैंने फ्रॉम 1976 या 7 से लेकर 97 तक लिखा, यानी कि 12 या 18 साल तक मैंने कॉलम लिखा है। जी। और लोग आज भी याद रखते हैं। जी मैम, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी तस्वीरों पर मुश्तमिल एक मोंटाज देखते हैं। Thank you.
वेरी नाइस मैम, बहुत ही खूबसूरत मॉन्टाज था। जब आतिश जवान था ये तब की नहीं, आप आज भी वैसी की वैसी ही दिखती हैं। मैम मुझे बताएंगे कि आपको मेज़बानी करने का ख्याल कैसे आया पाकिस्तान टेलीविज़न पर? देखिए मैं तो टेलीविज़न में न्यूज़ एंकर के तौर पर आई थी जी, वो भी एक हादसाती तौर पर आ गई थी शौकिया शौकिया। लेकिन जब मैंने न्यूज़ पढ़ना शुरू किया और बहुत अरसे तक खबरनामा पढ़ती रही जी, तो मुझे ये लगता था कि मैं जो हूँ मेज़बानी भी कर सकती हूँ। अच्छा, और बड़े बड़े नाम थे हमारे सामने, माशाल्लाह खुशबख शुजात साहिबा थी हमारे सामने, मेहताब अकबर राशिदी साहिबा थी और मोइन अख्तर साहब थे, अनवर मकसूद साहब थे। मतलब ये तो बड़े लेजेंड्स हैं ना जिनको हम देख के खुद इंस्पायर हुआ करते थे। लेकिन शायद वो देख देख के ना एक फीलिंग होती थी कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, उस वक्त ये था कि टेलीविज़न में जो न्यूज़ एंकर्स थे उनको किसी और प्रोग्राम की इजाज़त नहीं मिलती थी, तो बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली कि प्रोग्राम करना है तो आए इसमें। लेकिन तो वो क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग तो दूर की बात है, खबरें भी पढ़ना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, तो फैमिली से परमिशन कैसे मिली? फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली थी, इजाज़त क्यों नहीं मिलती। मैं तो एक्चुअली इससे पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि मैं आई थी टेलीविज़न विजिट करने सिर्फ। अच्छा, ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ ना, कि टेलीविज़न पर काम कैसे होता है ये देखने के लिए आई थी। और उस वक्त ऑडिशंस हो रहे थे न्यूज़ एंकर्स के जी, तो उन्होंने मुझे कहा, जो मुझे विजिट करा रहे थे उन्होंने कहा आप भी बैठ के शौक पूरा कर लें। मैंने कहा चलें। हमने भी बैठ के दो पेज पढ़े और वो शौक पूरा कर लिया। सही। और तीन चार दिन के बाद कॉल आ गई, जी आपका ऑडिशन अप्रूव हो गया, आ जाएं। वाओ, इस तरह तो एंट्री हुई है हमारी। मतलब आप बहुत लकी थी। प्लानिंग में नहीं था कि टीवी में आना है, बिल्कुल भी नहीं था दूर दूर तक। लेकिन वो जाहिर है जब सिलेक्शन हो गया, घर में मैंने डिस्कस किया कि इस तरह से मुझे ऑफर आई है, तो फिर मुझे पेरेंट्स ने कहा ठीक है कर लो अगर कर सकती हो, तो पढ़ाई भी जारी रखी और न्यूज़ भी पढ़ी। बिल्कुल। और उस वक्त मैं समझती हूँ चूँकि एक चैनल था और ख़बरनामा जो था वो बड़ा प्राइम टाइम पे होता था, 9 बजे से 9:30 बजे तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़बरनामा पढ़ा और उससे जो है एक पहचान बनी। तो हमारी जो हमें इज़्ज़त मिली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता की अपने हबीब के सदक़े, तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न उसमें वसीला बना कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमें नाम दिया, पहचान दी, हमारा मदर इंस्टीट्यूट है, हमें जो कुछ मिला है अल्लाह ताला के ने हमें इस इदारे से दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर वो जो आप प्रोग्राम की बात कर रही हैं, तो वो एक देख देख के शौक पैदा हुआ और फिर ट्राई किया कि हमें कुछ करना चाहिए, तो चंद प्रोग्राम्स की जिसमें आपने एक दो इसमें तस्वीरें भी दिखाई हैं, जो शायरात के इंटरव्यू किए थे मैंने, ये महमिल प्रोग्राम था जी। और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इसमें शायरात आके अपना कलाम पेश करती थीं, अपनी जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं उसके हवाले से बताती थीं, बड़ा पसंद किया गया। फिर एक निसार वज़मी साहब की तस्वीर दिखाई आपने। जब PTV वर्ल्ड शुरू हुआ था तो उस वक्त कुछ नए प्रोग्राम चाहिए थे, तो उस वक्त उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था आज का मेहमान के नाम से, तो उसमें वीकली प्रोग्राम होता था जिसमें किसी भी बड़ी शख्सियत पे एक प्रोग्राम होता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे हिस्से में आया जिसमें मैंने निसार बज़मी साहब के साथ उनका इंटरव्यू किया। निसार बज़मी साहब का आपने एक प्रोग्राम भी किया ना, और जहांगीर खान का इंटरव्यू किया था, समीउल्लाह साहब उसमें आए थे, मेहताब अकबर राशिदी थी और एक ड्रामा आर्टिस्ट महमूद अहमद साहब थे उनका किया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू किए और वो फिर पसंद किया गया। वाह। और उसके साथ साथ ये सभी जानते हैं कि फिर मैंने जो है इस्लामिक प्रोग्राम बहुत सारे किए, जिसमें क्विज़ प्रोग्राम्स भी शामिल हैं, जिसमें इस्लामिक साइक्लोपीडिया भी शामिल है, जो जिसमें हम इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो पेश किया करते थे, वो भी एक 20 मिनट का प्रोग्राम होता था, लेकिन इतना खूबसूरत प्रोग्राम होता था और उस पर उसका स्क्रिप्ट इतना खूबसूरत होता था कि उसको करते हुए खुद मुझे भी बड़ा मज़ा आता था। प्रोग्राम्स करती थी उनका होमवर्क या फिर जो स्क्रिप्ट है वो आप खुद रेडी करती थी? जो ज़्यादातर स्क्रिप्ट है वो तो यहाँ हमें स्क्रिप्ट सेक्शन से मिलते थे। अच्छा। लेकिन एक प्रोग्राम अज़वाजे मुतहरात पे मैंने किया था, 12 प्रोग्राम, वो टोटल मैंने खुद लिखा था। अच्छा। और इस्लामिक साइक्लोपीडिया में भी बहुत सारे प्रोग्राम मैंने खुद लिखे। अच्छा। लेकिन फिर मुझे ताहिदा रादिल साहब जो यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर थे, उन्होंने कहा तुम दूसरों की रोज़ी क्यों उस पर लात मार रही हो, राइटर को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। तो फिर वो मैंने लिखना छोड़ दिया था, मैंने सिर्फ फिर वो क्विज़ प्रोग्राम जो था वो मैंने कम्प्लीटली खुद लिखा था, बस वो रिसर्च मेरी अपनी थी। लेकिन यहाँ पे हमारा एक बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक रिसर्च का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है PTV में हमेशा, तो उसमें जो उस वक्त हेड थे वो मुदब्बर रिज़वी साहब थे। मुदब्बर रिज़वी साहब को जो भी आप कुछ लिखते थे उनको चेक कराया जाता था पहले। अच्छा। तो मुदब्बर रिज़वी साहब ने ज़ाहिर है उसको देखा, उन्होंने कहा ठीक है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप करेक्ट कर सकें, माशाल्लाह आपकी रिसर्च अच्छी है। तो फिर वो सवाल जो आपका एक सिलसिला था जो 12 प्रोग्राम मैंने मुकम्मल किए, तो इस तरह से माशाल्लाह क्विज़ प्रोग्राम किए, इस्लामिक साइक्लोपीडिया जैसा प्रोग्राम भी किया जो 4-5 साल तक चलता रहा, उसमें पूरी इस्लामिक हिस्ट्री थी, और उसके अलावा ये जो टॉक शोज़ हैं ये भी किए, तो माशाल्लाह तमाम काम PTV में रहते हुए किए। और सबसे ज़्यादा लेकिन जो जिस पे मुझे पज़ीराई मिली वो मेरे इस्लामिक प्रोग्राम्स हैं।
अच्छा ओके तो हसन खुर्शीद साहब मैं आपसे भी सवाल करना चाहूँगी कि आप नात खानी आपने किस उम्र में पढ़नी शुरू की? अल्हम्दुलिल्लाह जब होश संभाला तो अपने वालिद को नात पढ़ते ही देखा और उस जज्बे से जिस जज्बे से वो पढ़ते थे हमें भी शौक़ पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड मेरे पास है पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से कि 3.5 साल की उम्र में मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर पहली बार नात पेश की। शाहीन अंसारी साहिबा ने उसको रिकॉर्ड किया। मतलब आप तो बचपन से एसोसिएट हैं। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तो और इतना पसंद किया गया कि मुझे फिर दोबारा उस प्रोग्राम में बुलाया गया और फिर उस वक्त से पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ ताल्लुक रहा क्योंकि मेरे वालिद का जो ताल्लुक था पाकिस्तान टेलीविज़न से वो इस हवाले से रहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने पहला जो मुकाबला नात खानी करवाया 1978 में तो उसके कुल पाकिस्तान के विनर मेरे वालिद थे। वाह। और ये कलाम ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई। अच्छा है वो कौन सी नात थी जो आपने सबसे पहली बार पढ़ी थी यहाँ पर आकर 3 साल की उम्र में पाकिस्तान टेलीविज़न पर? मैंने जो कलाम पहला पढ़ा वो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद। सुना दीजिए हमें। पेश करता हूँ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल-किताब गुंबदे आबगी नरंग तेरे मुहित में हवा शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल-किताब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ताबिंदा जी हम आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। एक बात मैं यहाँ बता दूं जी कि ये तो साहबजादे खुर्शीद अहमद मरहूम के मैंने नात पढ़ना जो पढ़ती तो मैं थी वैसे लेकिन जो नात को पढ़ने का सलीका सीखा वो मैंने खुर्शीद अहमद से सीखा। तो मैं उसको मुझे था तो मेरे जितना ही था छोटा ही हुआ उससे तो मैं उसको उस्ताद कहती थी मैं उसको क्योंकि मैंने उसकी एक नात थी सबाक बरवादी की लिखी हुई वो जलवा था जो पर्दों में नेहा अब आशकार आया। पेश कर देंगे वाली मैं कोशिश करती जी बिल्कुल प्लीज। वो जलवा था जो पर्दों में निहाब आशकार आया उन्हें दे दुनिया को खुदा का एतबार आया। सब अकबर बादी साहब का ही कलाम है ताजदार साहब के वाले। जहे इस में गिरानी जब सुना जिसे सुना हमने जहे इस में गिरामी जब सुना जैसे सुना हमने दुरूद जुबाने शौक पर बे इख्तियार आया। मक्ता खूबसूरत मदीने से बुलावा
एक रोज जाएंगे मदीने सबा इस आरज़ू में कितना लुत्फ़े इंतज़ार आया सबा इस आरज़ू में कितना लुत्फ़े इंतज़ार आया उन्हें देखा तो दुनिया को खुदा का एतबार आया। मैंने अभी पढ़ा था शेर के ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता बिगड़े भी बना देता है सब नाम है मोहम्मद। मेरा गला इस काबिल नहीं था कि मैं बोल भी सकती और उसका जिक्र था तो कमाल पढ़ा बहुत खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो खलीश मुजफ्फर ने कहा है ना कि मैं तलाश में था रब की कहाँ ढूंढता मैं उसको मिली ज़ात जब नबी की तो खुदा से मिलना सीखा। बहुत ही खूबसूरत नात आपने पेश की लेकिन हमारे पास अभी टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का तो हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ताबिंदा लारी साहिबा ने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया। अब मैं चलती हूँ आपकी तरफ। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपको अपनी फील्ड में कभी कोई कंपटीशन फेस करना पड़ा जब आप होस्टिंग की फील्ड में आईं या फिर न्यूज़ कास्टर थी तो किस तरह के कॉम्पिटिशन आपने फ़ेस किए? जी कॉम्पिटिशन तो आप किसी भी फील्ड में होता है और कभी सीनियर्स के साथ होता है और बाज़ दफ़ा जूनियर्स के साथ भी होते हैं। जी देखें जब हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ना शुरू की थी जब ख़बरनामा हम पढ़ते थे तो उस वक्त इस्लामाबाद से हमीद अख्तर साहब पढ़ते थे और महापारा सफदर थी सुरैया शहाब साहिबा थी और ख़ुद कराची सेंटर जब मैं आई शादी के बाद क्योंकि मैंने स्टार्ट तो लाहौर सेंटर से किया था। अच्छा। तो यहाँ पर ज़ुबैरुद्दीन ज़ुबैर साहब थे शहाबुद्दीन शहाब साहब थे तो ये इतने ज़बरदस्त नाम हैं मतलब सब मेरे सीनियर हैं लेकिन इतने इतने बड़े नाम हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इन सब से कुछ ना कुछ सीखा है तो गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा। तो कंपटीशन तो था कि आप या तो उस लेवल पर जाके पढ़ें जिस पे आपके सीनियर्स पढ़ रहे हैं और या फिर अगर आप बिल्कुल अपने आप को नीचे कर देते हैं और उस लेवल पे नहीं पढ़ते तो फिर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप आ सकें। तो हम न सिर्फ ये कि उस कॉम्पटिशन के लिए एफ़र्ट्स करते थे बल्कि वो बड़ी हेल्दी एफ़र्ट्स होती थी और हमें उसी पे इनक्रेज भी किया जाता था कि देखें खालिद हमीद साहब का लहजा देखिए कितना उम्दा है कितने अच्छे अंदाज़ में वो पढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो न्यूज़ पढ़ने का अंदाज़ था न्यूज़ एंकर्स का उसमें ना बड़ा एक जैसे कहना चाहिए रखाव था एक अच्छा अंदाज ठहराव था और चीख पुकार नहीं थी। जी जी जी। और दूसरी बात ये जो बहुत दफ़ा आजकल न्यूज़ एंकर्स हाथ हिला हिला के भी पढ़ रहे होते हैं यूँ कर रहे होते हैं ये मतलब न्यूज़ पढ़ने के वाले के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हाथ हिलाए। मतलब वो कोई मुकर्रर थोड़ी है जो खड़े होकर वो कोई तकरीर कर रहा है वो तो एक लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है कि ये न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपकी जो ऑडियंस होती है वो लाखों लोग होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं सुन रहे होते हैं तो आपको इस तरह से गुफ्तगू करनी होती है कि जैसे आपके सामने लोग बैठे हुए हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं तो ये अंदाज़ जो है हमें बाकायदा तरबियत दी जाती थी कि इस तरह से आपने गुफ्तगू करनी है इसमें चीख पुकार नहीं होनी चाहिए इसमें ठहराव होना चाहिए आपके जो भी अदायगी है वो बहुत वाज़े होनी चाहिए एक एक लफ्ज़ जो है वो वाज़े होना चाहिए। तो ज़ाहिर है फिर उसके लिए हम प्रैक्टिस करते थे कभी अखबार पढ़ रहे होते थे उठा के रोज़ाना के जितने अखबार आए हुए होते थे कभी न्यूज़ रूम में आकर प्रैक्टिस करते थे जो हमारे सीनियर बैठे होते थे वो हमसे सुनते थे और मैं समझती हूँ ये खुश नसीबी थी हमारी कि हमें सिखाने वाले मौजूद थे। आजकल एक जो चीज़ें मैं देखती हूँ कि अक्सर न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो पढ़ने में बहुत गलतियाँ कर रहे होते हैं
उसकी वजह ये है कि उनको सिखाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। और अगर सिखाने वाले नहीं हैं तो वो खुद भी नहीं सीखते, ये उनका भी कसूर है कि एटलीस्ट वो ऐसे लोगों को सुने जो अच्छा पढ़ रहे हैं ताकि वो कुछ लर्न कर सकें। इसी तरह जब आप दूसरा कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने टॉक शोज़ की अभी आपने बात की, उसमें जो हमारे सीनियर्स थे उनको हम देखते थे कि वो उनका लहजा क्या है, उनका अंदाज़ क्या है, वो किस तरह से गुफ्तगू करते हैं। टॉक शोज़ में आपको किस तरह के शोज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता था? जैसे मैंने अभी बताया कि आज का मेहमान एक पीटीवी वर्ल्ड का प्रोग्राम था और वो एक ऐसा प्रोग्राम था जो पर्सनालिटी बेस्ड था। अच्छा। और पर्सनालिटीज़ भी ऐसी थी जिनके 30-30, 40-40 साल के एक्सपीरियंस थे। वाह। अब उस एक्सपीरियंस को निकलवाना कि आपने आगाज़ कैसे किया, इन 40 सालों में आपने काम क्या क्या किए और आपका सबसे ज़बरदस्त काम जो था, आपका मास्टरपीस क्या था, उन तमाम चीज़ों को निकलवाना एक बड़ा एक चैलेंजिंग सा अंदाज होता है। और एक एंकर जब तक उस पर होमवर्क करके ना आए तो वो कभी भी ये काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं पता कि जो आपके सामने मेहमान बैठा हुआ है उसने क्या क्या काम किए हुए हैं, आपने पूरा होमवर्क नहीं किया तो आप वो सवाल उसे नहीं कर सकते या आप उस गहराई में नहीं जा सकते जहाँ तक जाके उसने काम किया हुआ है। तो वो खूबसूरत काम जो उसने किए हैं वो आप निकलवा नहीं सकते उसकी ज़ुबान से, तो इसलिए उसके लिए होमवर्क करना पड़ता था। और ज़ाहिर है फिर आपको न सिर्फ ये कि उन लोगों से मिलना होता है पहले से जिनके आप इंटरव्यू कर रहे हो, बल्कि उनके बारे में जितना लिखा जा चुका है या उसके बारे में अगर कोई और प्रोग्राम किसी ने किया वो भी देखना होता है, वो सुनना होता है, तो वो तमाम होमवर्क करके जब आप बैठते हैं तो यकीनन फिर वो प्रोग्राम अच्छा होता है। तो बस यही एक चैलेंजेस थे जो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे कि जो भी शख्स किसी भी शोबे में आता है, कोई भी काम हो, कोई भी काम, जब तक आप अपने सीनियर्स को नहीं देखते या उससे रेलिवेंट मटीरियल आप नहीं पढ़ते, किताबें नहीं पढ़ते, तब तक आप उस काम को अच्छे अंदाज में कभी भी पेश नहीं कर सकते। मैम आपको क्या लगता है कि जो न्यूज़ एंकरिंग पहले की जाती थी और जो आज हो रही है उसमें कितना फ़र्क आया है और उसकी क्या बेसिक वजह है? देखिए जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी काम जो है ना उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हमें जैसे कहा जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें घर में हो या आप न्यूज़ रूम में आके करें, घर में अगर आपने करनी है तो आईने के सामने खड़े होकर जो है ना पढ़ें, जैसे आपके सामने कोई है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जो प्रैक्टिस थी वो हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाती थी। आजकल जो है वो डायरेक्ट बस वो चंद दिन पढ़ने के बाद आपको बिठा दिया जाता है स्टूडियो में, कह लें जी पढ़ें, आपको उर्दू पढ़ना आती है काफ़ी है। उर्दू पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता, न्यूज़ पढ़ने का एक अंदाज़ होता है और उसमें उस अंदाज़ को लेके जब आप चलते हैं तो तभी वो अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। देखिए आज भी अगर मैं कहूँ कि बीबीसी में जो अंदाज है न्यूज़ पढ़ने का, बीबीसी में जो न्यूज़ एंकर जिस अंदाज से इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते हैं वो अंदाज़ बाकी चैनल्स पे आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए इंग्लिश में न्यूज़ तो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, बहुत से पढ़ लेकिन हैं। जिस अंदाज़ में वो पढ़ते हैं, जो ठहराव उनके अंदर है, जिस जो उनके खूबसूरती है लफ्ज़ों को जिस तरह से वो बयान कर रहे होते हैं, अदा कर रहे होते हैं, वो खूबसूरती की जो है अदायगी की वो लैंग्वेज में ज़रूरी होती है। अब आप चाहे ड्रामा ही देख लें, उसमें भी एक अदायगी होती है ना, एक अंदाज होता है। इसी तरह से न्यूज़ एंकर का, एंकर पर्सन जो होता है उसका एक अंदाज होता है, वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है हर एक का। डायलॉग डिलीवरी एक अलग अंदाज है, न्यूज़ पढ़ना अलग है, एंकर का काम करना एक अलग काम है। लेकिन हर काम चैलेंजिंग है, हर काम में प्रैक्टिस चाहिए और अपने सीनियर से भी आपको सीखना है, उसके अलावा आपको लिटरेचर पढ़ना है, क्योंकि एंकर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो आके बैठा है जिस कुर्सी पर, अगर उसने आज के जो मामूलात हैं, जो हालात हैं जो इस वक्त दुनिया में अपने वतन के अलावा, उस पर उसको अगर उबूर हासिल नहीं है तो वो बात नहीं कर सकेगा अच्छे तरीके से। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसकी नॉलेज ज़्यादा हो और उसने ज़्यादा किताबें भी पढ़ी हों, वो अखबारात पे भी एक नज़र रखता हो रोज़ाना की, ताकि अगर कोई ऐसी बात सामने आ जाए तो वो उसको अच्छे तरीके से बयान कर सके। जी थैंक यू मैम। हसन खुर्शीद साहब आपसे मैं फरमाइश करना चाहूँगी कि हमें आप अपने वालिद साहब की वो नात सुना दें, ये सब तुम्हारा करम है आका। पेश करता हूँ इसके चंद अशआर। खालिद महमूद नक्शबंदी अलैहि रहमान ने इस कलाम को लिखा और मेरे वालिद ने पढ़ा, पूरी दुनिया में ज़बान ज़दे आम हुआ और उनकी पहचान बना। माशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात में मज़ीद बुलंदी आता। आमीन सुम्मा आमीन। कोई सलीका है आरज़ो का, कोई सलीका है आरज़ो का, बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्दे
भी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बर्दा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका। आमल की मेरे असास क्या है बजुज नदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है ये सब तुम्हारा करम है आका। यही है खालिद असास रहमत, यही है खालिद बिनाए अजमत। नबी का इरफान जिंदगी है, नबी का इरफान बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभानअल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अच्छा हसन साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपके वालिद साहब भी पीटीवीसी एसोसिएट हैं, यहाँ पर नात खवानी करते रहे, तो उनकी लाइफ के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। शराबी फराना, आपने बताया कि ये वो इदारा है जिसने सबको सिखाया, जो सीनियर्स का जो हमारे लेजेंड्स हैं उन यहाँ से बनकर निकले। मेरे वालिद के हिस्से में यह आया कि इब्तदाई दौर में वो उन्होंने नात खानी यहाँ शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह 2007 तक जब उनका इंतकाल हुआ तब तक वो पीटीवी से मुंसलिक रहे और सिर्फ कराची सेंटर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नाते रिकॉर्ड भी हुई उनकी और अच्छा। वहाँ से उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए, तो बड़ा एक जब भी जिक्र करते थे पाकिस्तान टेलीविज़न का तो हमें भी बड़े अच्छे उन्होंने वाकयात बताए यहाँ के हवाले से। जिस तरह ताजदार आदिल साहब के साथ उनका पहली नात उन्होंने बताया कि उन्होंने रिकॉर्ड की, उसके बाद शाहीन अंसारी साहिबा ने, सायरा काजमी साहिबा ने और इसके अलावा बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ उन्होंने काम किया। बड़े बड़े नाम हैं अपने जी अल्हम्दुलिल्लाह। और तो एक से एक वो कहते थे कि पाकिस्तान टेलीविजन पर 3 से 4 मिनट का कलाम पढ़ने के लिए भी तैयारी कई घंटों पर मुश्तमिल होती है। असल चीज़ यही है, पहले सुनाई जाती, पहले कलाम सेलेक्ट होता था, वो कलाम अप्रूव होता था, फिर उसको सुनते थे। जिस तरह भी आपने बताया रिहर्सल्स होती थी, लाइव लाइव पढ़ते थे। सबसे बड़ी बात कि लाइव होता था, कोई उसमें टेक्स वगैरह नहीं होती, तो बड़ा उसकी जो पुख्तगी आई उस यहाँ से पढ़ने के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मेरे हिस्से में भी आया कि मैंने बड़े शुरू से अपनी इब्तदाई दौर से पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक रहा, तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। अगर आप किसी और नात खां की जो आपको पसंद हो वो नात हमें सुना दें। अच्छा, मैंने जब होश संभाला है तो मैंने अपने वालिद के साथ जिन शख्सियात को देखा उनमें हमारे लेजेंड्स ही हैं, सदीक इस्माइल साहब, कारी भाई जफर कासमी साहब। तो एक कारी साहब का मुझे ज़ाती तौर पर कलाम बहुत पसंद है, तो उसके अशार में एक शेर पेश कर देता हूँ। ज़रूर। हम मदीने रास्ते में अगर पाँव थके जाएंगे। सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत, एक सहर तारी हो गया था, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी ताबिंदा लारी साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने किस उम्र में नात खवानी शुरू की और साथ ही साथ आप सहाफत के शोबे से भी मुंसलिक हैं, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हूँ लेकिन मैं थी। हाँ। तो किस तरह से इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। देखो बेटा, ये तो मुझे नहीं मालूम कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे के बारे में कोई कैसे सोच लेता है कि बच्चा अच्छा पढ़ेगा, लेकिन स्कूल में मैं नाथानी करती थी असेंबली वगैरह में। वो स्कूल के टाइम से मैं 7 साल की उम्र में रेडियो मैंने शुरू किया था जी, और वहाँ कहानियाँ भी लिखी बच्चों की, और ये रेडियो से मैंने हमारी ज़बान व बयान जो ये अभी बात करेंगे, हमने फिर
पाकिस्तान टेलीविजन पे हमने प्रोग्राम किए, तो ये कि लहजा, तहजीब, पढ़ने की सब चीज़ें यहीं से सीखी। तो स्कूल में तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड बंदी हूँ अल्लाह की कि मुझे जो इतनी सलाहियतें उसने दी कि बोलने की, लिखने की और पढ़ने की, तो अशार मुझे बहुत याद होते थे। तो मैं ज़िंदगी में जितनी अल्लाह ताला ने मुझे मौक़े दिए, हम बहुत लोग होते हैं अल्लाह का शुक्र कि उसने मौक़े दिए हमें और हम ये काम कर सके, तो ये बचपन से पढ़ रहे थे। लेकिन अगर तुम कहो कि नात खानी, ये हसन भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, नात खानी के शोबे का फरोग जो है 1977 के बाद हुआ, ये वही ज़माना था जब खुर्शीद साहब को नवाजा गया हुकूमत की तरफ से भी। अच्छा। तो जब ये महफिलें होने लगी ना, तो तब ये ज़्यादा पढ़ने लगी। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी, ये एहसास तफाखुर नहीं है, एहसास तशक्कुर है। मैंने स्पोर्ट्स किया, मैंने सोशल पॉलिटिकल चीज़ें की, बहुत सारी की। स्पोर्ट्स से क्या, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या किया? स्पोर्ट्स के मैं एक स्पोर्ट्स के मैगजीन के असिस्टेंट एडिटर भी थी, क्रिकेटर की। अच्छा मैं एक वक्त बहुत सारे काम करती थी। अच्छा। कि मैं क्या बन जाऊँ, इतना लिखती थी मैं मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखना। कोई अगर इशू क्रिकेट का शुरू हो गया, जैसे मुझे याद है कि सरफराज नवाज ने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ज़बरदस्त वहाँ परफॉर्मेंस दी थी, 6 विकेटें ली थी, ये वो। उसके बाद इंडिया का दौरा था, उनको नहीं ले जा रहे थे, उस पर मैंने लिखा, बहुत मुझे बहुत मज़ा आता था लिखने में भी, और वो मेरा अंदाज़ था एक जो तंजो मज़ा वाला, वो लोग शौक से पढ़ते थे। तो किस तरह के टॉपिक्स पर आप लिखा करती थी? मैंने लिखना नहीं था, मैं मैगज़ीन के एक सेक्शन की इंचार्ज, जंग मैगज़ीन के इंचार्ज रही मैं। सुबह मैंने शाम में ऑफिस से जाती थी, ये मेरा पैशन है ना ये ऑफिस से, क्योंकि मेरे मार्केटिंग के शोबे से ताल्लुक है जी फ्रॉम 1982। लेकिन मैंने अखबार छोड़ा नहीं, अखबार तो मैं 97 तक करती ही रही। तो शाम को जाती थी मैं, एक सेक्शन की इंचार्ज थी, एंटरटेनमेंट पेजेस की इंचार्ज थी मैं। इस वजह से भी PTV से तो मेरा ताल्लुक रहता ही रहता था, और हमने नए चीज़ें शुरू की थी मुख्तलिफ शहरों की, जो हमारे ऑफिसेज हैं उनको भी देखना करना। तो ये मेरा देखो नात खानी और सहाफत मेरा पैशन है। ओके। और जो मार्केटिंग या मीडिया मैनेजमेंट, ये सारा मेरा प्रोफेशन है। मैंने जो कुछ पढ़ा, अल्लाह ने मुझे उसके एक एक शोबे से काम करने की तौफीक भी अता की और कामयाबी भी अता की। मैं इसी बात को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, इसी बात से हम शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, तो हम लोग चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं फिर। जी नाज़रीन, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी गुफ्तगू जारी थी ताबिंदा लारी साहिबा से। जी आप बता रही थी कि नातों के शोबे को फ़रोग देना चाहिए, फरोग उसकी अहमियत को तस्लीम करना चाहिए। तो मैं एज ए मार्केटियर मैं कोशिश की मैंने। देखो बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि सरकार ने हसन को मिंबर पर बिठाया, आका के सना खां की तौकीर बड़ी है। तो जब मुझे एक दफ़ा, ये जो हमें अल्लाह ने वस्त दिया है ना जिक्र रसूल करने का, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो ये इसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। मेरी कोशिश रही कि एज ए मार्केटिंग पर्सन, जब मैं PTV को भी बताया है सबको, मैंने हमेशा कोशिश की कि बच्चों के मुकाबले हों तो उनको हम थोड़ा क्या कहें, बेनिफिट उनका बढ़े और उनको लगे कि ये हम जिक्र रसूल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता का सिलसिला है। हमारे यहाँ क्रिकेटर को बहुत क्रिकेटर हो जाए, शोबिज़ हो जाए, मैं किसी पे एतराज़ नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो चीज़ें, ये हमारी रूहानी आसूदगी का बिल्कुल इंतज़ाम करती हैं। ये जो नात खानी के मुकाबले होते हैं और उसमें बहुत हमें बच्चे पढ़ने वाले मिलते हैं, अपने तौर पर वो बच्चे पढ़ने वाले तो बहुत मिल रहे हैं,
मकदार और मैार में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं इस पर कहना चाहूँगी कि हम जितने भी प्रोग्राम्स की दीन के हवाले से बात करते हैं तो दीन जो है ना वो दरअसल अदब है। अदब है और वो हमें फिर सिखाता है कि इताद क्या है, फर्मा बरदारी क्या है, नरमी क्या है, आपस में मिलजुल के रहने का सलीका क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम अपने बचपन में पाकिस्तान टेलीविजन से सीखते थे। और किस तरह सीखते थे कि कभी हम इकरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो कभी हम अल कुरान देख रहे हैं, कभी हम बसीरत देख रहे हैं, कभी हम फहमुल कुरान देख रहे हैं। और आप देखिए कि फहमुल कुरान में किस पाई के लोग आते थे, माशाल्लाह, प्रोफेसर हसनैन काजमी जैसे कराची ऐसे और इस्लामाबाद से लईक अहमद साहब हुआ करते थे, उनकी आप ज़ुबान पर अबूर देखिए, उनका जो टॉपिक पे गुफ्तगू का अंदाज़ देखिए। और मुझे याद है कि फहमुल कुरान जब हम लोग बहुत छोटे थे तो अल्लामा अब्बास हैदर आबदी की उसमें स्पीचेस आती थी छोटे छोटे टॉपिक्स पे। जो पहली दफ़ा मुझे इस्तग़फ़ार का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्लामा तालिब जौहरी की तकरीर सुनने के बाद पता चला। यानी हम लोग ये समझते थे कि इस्तग़फ़ार सिर्फ ये है कि बस जिसने गलती की है वो तौबा कर ले, इस्तग़फ़ार कर ले। लेकिन इसको एक ब्रॉड इसके स्पेक्ट्रम में कि इस्तग़फ़ार की नेमतें क्या हैं, हम क्या कुछ इससे हासिल कर सकते हैं। अल्लामा तालिब जौहरी ने जब जो कुरान पाक में उसकी आयात है सूरह नूह के हवाले से बताया कि इस्तग़फ़ार जो है वो हमें सिर्फ तौबा करने की तरफ एक पैगाम नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो लोग इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं उनको रिस्क में बरकतें मिलती हैं, उनके ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल होता है, उनको औलाद में नेमत मिलती है, उनके दीगर कामों में आसानी होती है, अल्लाह का फ़ज़ल उसमें शामिल हाल होता है। यानी वो इस कदर खूबसूरत अंदाज होते थे इन उलमाए कराम के, अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। आप कहना चाहती हैं कि आपके बचपन के दौर में जो टेलीविज़न था वो एजुकेशन का काम करता था। एग्जैक्टली, देखिए पाकिस्तान टेलीविज़न का तो पैगाम है ना एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था, वो एजुकेशन भी दे रहा था, और वो एंटरटेनमेंट भी दे रहा था। हाँ। और वो तमाम चीज़ें तहजीब के दायरे में दे रहा था और दे रहा है। तो देखिए जब आप एक पूरा ये जो मोटो है इसका पाकिस्तान टेलीविज़न का कि उसने इन्फॉर्म भी करना है, आपको एजुकेट भी करना है, तो डे वन से इसने अपना ये एक मकसद बना के इसको चलाना और प्रोग्राम्स को हमेशा इस तरह से तरतीब दिया गया कि जो बच्चे हैं वो इनको देख के सीखें। जैसे मैं आपको बताऊं कि अजान जो है, जैसे वो जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने में इसको प्रमोट किया गया और जो दुरूद शरीफ है वो अजान के फौरन बाद शुरू होता था। मैं कहती हूँ कि हज़ारों लोगों ने दुरूद शरीफ उधर से सुन के सीखा। वाह, इसमें मैं कोई झूठ नहीं कह रही। बिल्कुल, कितने ही बच्चे और बड़े जो हैं उन्होंने उस दुरूद शरीफ को सुन के इस्लाह लिया। सवाब का काम है। और देखिए अजान जो है वो खुद एक इतनी बड़ी इबादत है कि उसको सुन के, बहुत से लोगों ने अजान जो है उसी से सुन के सीख ली होगी, जो वो अजान देने की उम्र में जब पहुंचे होंगे तो अच्छी तरह से अजान दे रहे होंगे। तो अजान क्या है, उसकी हमें क्या तकद्दस है, दुरूद शरीफ को किस तरह से पढ़ना है, और फिर जो दुरूद जो है अजान के बाद पढ़ा जाता है वो किस तरह से पढ़ना है, उसका क्या तकद्दस है, उसका क्या एहतराम है, उसकी क्या फजीलत है, ये हमें पाकिस्तान टेलीविज़न ने बताया। फिर अल्लामा, जैसे मैंने जिन लोगों के नाम लिए, ताहिरुल कादरी साहब का एक बड़ा नाम है इसमें कि हम लोग उस वक्त स्कूल कॉलेज में ही थे जब हम उनकी तकरीरें सुन रहे होते थे। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों के और वाक़ियात सुना सुना के अम्बिया इकराम के हवाले से, कुरान पाक की आयात के हवाले से, तो मैं समझती हूँ कि हम अगर घरों में कुरान पढ़ रहे होते थे तो उसकी तफसीर हम टेलीविज़न पर देख रहे होते थे और समझ रहे होते थे। तो फिर वो एक जो तरबियत का पहलू वालदैन के हिस्से में कहा जाता है ना कि आता है, तो तरबियत कभी भी सिर्फ वालदैन का काम नहीं होता। तरबियत वालदैन के साथ असातज़ा कराम और मीडिया का काम होता है, उस माहौल का काम होता है जिसमें हम बैठे हुए होते हैं, उस सराउंडिंग का काम होता है जिसमें हम रह रहे होते हैं। तो वो सराउंडिंग जो थी वो पीटीवी का वो माहौल था जिसने हमारी तरबियत की, हमारे उस टाइम बायलक अच्छे प्रोग्राम और अच्छी चीज़ें हमें दिखाई जो हमारी शख्सियत का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। और जो आज भी मैं समझती हूँ कि वो प्रोग्राम्स देखने वाले, उसको समझने वाले जो हैं उनकी शख्सियत का वो खासा है और उन्होंने उन चीज़ों को फिर रिफ्लेक्ट भी किया है। रिफ्लेक्ट भी किया। बात हो रही है नातों की, तो हम चल कर नातों पर मबनी एक शो रील देखते हैं। बस नहीं बेसहारा नहीं
नजर तो उनके करम पर ठहर गई, दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। यासीनो मुबाशिर कभी ताहा लिखूं, जिंदा जब तक रहूं नाते शहे वाला लिखूं। चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। माशाल्लाह हर सना खां का एक अपना अंदाज़ है जी। और मैं समझती हूँ कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले जितने भी सना खान रसूल हैं यहाँ पर हैं, जो खूबसूरत सा गुलदस्ता इन्होंने सब बना के पेश किया है पाकिस्तान टेलीविज़न ने, तो ये पाकिस्तान टेलीविज़न का एज़ाज़ है कि माशाल्लाह इतने बहुत से लोगों को उन्होंने जो है सिखाया, आगे बढ़ाया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आगे बढ़ाया। तो ये सिर्फ नाम आगे नहीं बढ़ाया, दरअसल वो मोहब्बतें हमारे दिलों में उतारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है मैम। हमारे शो का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट ख़त्म, क्योंकि बातें और ये महफिल इतनी हसीन है कि दिल करता है चलती रहे, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम था, छोटा सा शो था। तो हमारे नाज़रीन से अगर कोई बात, कोई पैगाम देना चाहती हूँ। मैं ये कहूँगी, खुदा के बाद कोई नाम है तो नाम रसूल, इसी से कीजिए अंदाज़ा मकाम रसूल, हबीब कह के रिसालत माँ आपको भेजा, खुदा ने हमको सिखाया है एहतराम रसूल। और एहतराम रसूल यही है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों का ख्याल रखें, ख़ुद भी जो उनकी तालीमात हैं जो कि कुरान से मुताबिकत रखती हैं उस पर अमल करें, बस यही बात है। आप भी कुछ अगर कहना चाहें। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से पाकिस्तान टेलीविज़न को इसकी सालगिरह मुबारक, और जिस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा नात खानी के शोबे को खास और फ़रोग दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये इसी तरह जारी रहे। आप तीनों मेहमानों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना कीमती टाइम हमें और हमारे नाज़रीन को देने का बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी की खुशियों में इजाफ़ा करने का भी शुक्रिया।
आप देख रहे थे सफ़र मोहब्बतों का, पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी की खसूसी नशरियात लिए कल भी हम आपके साथ होंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा 26 नवंबर तक दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक रोज़ाना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।